और आ जाओ। नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखो, पुलिस ने अभी हमारे ऊपर फायरिंग की है। पुलिस हमारे ऊपर गोलियां चला रही है। पुलिस वालों ने हमारे ऊपर गोलियां चलाई हैं अभी। पुलिस वालों ने हमारे ऊपर गोलियां चलाई हैं अभी और हमारे ऊपर पत्थरबाजी भी की है पुलिस वालों ने। शुरुआत हमने नहीं की थी, महिलाओं पर पहले उन्होंने छत पे से चढ़कर पत्थर मारे हैं। पत्थर मारने के बाद हवाई फायरिंग कर रहे हैं और हमारी साइड गोली चला रहे हैं। अभी आपको मैं देखो फायरिंग की आवाज़ सुना देता हूँ। देखो आज रुकेंगे नहीं, हिंसा पूर्व कार्य हमने शुरू नहीं किया था। देखो पुलिस आई सड़कों पे। अरे भाई हवाई फायरिंग हो रही है, उसका दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है फिलहाल तो बंद कर ले, हवाई फायरिंग करे जब कर दियो। अरे फिलहाल तो बंद कर ले यार जी। देखो ये थानों से वो हमारे ऊपर हवाई फायरिंग कर रहे हैं और अब आम जनता भी थानों पर टूट चुकी है। उनके ऊपर सभी के ऊपर उन्होंने पहले पत्थरबाजी की थाने से और छत के ऊपर से, और फिर उसके बाद देखो आपको बंदूक की गोली की आवाज आ रही है। महिलाओं को मारा है तब हम उतरे हैं। हमने हिंसापूर्ण कार्य नहीं अपनाए थे, इन्होंने शुरुआत की है पहले। पुलिस वाले बदसलूकी पर उतर आए हैं, आप सभी देख सकते हो। देखो अब थाने के बाहर हैं। उन्होंने पहले मारपीट शुरू करी, सब कुछ पहले उन्होंने शुरू किया, हमने शुरू नहीं किया था। और थानों पर और ये सोच समझी साजिश है। देखो अनाज मंडी पूरी बणियों की है। बणियों में पहले तो बणियों ने खुद अनाज मंडी में आग लगाई और ताकि पुलिस थोड़ा उग्र हो। हमने कोई आग नहीं लगाई थी और हमला बोल दिया है। जय भीम। कैमरे साथ हटा। हाँ दिखाई दो। नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम एक्ट के विरोध भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। महिलाओं के साथ मारपीट करने के बाद उन्होंने बंदूक से गोलियां भी चलाई हैं, पत्थरबाजी भी की। हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन एक सोची समझी साजिश के साथ उन्होंने खुद ही बणियों ने अनाज मंडी में आग लगाई है। और देखो आग भी लगाई कबाड़े में, कोई गेहूं में आग नहीं लगाई, कोई सरसों में आग नहीं लगाई। उनकी पूरी प्लानिंग थी कि कैसे करके इस शांतिपूर्ण कार्यक्रम को असफल बनाया जाए, ताकि के लोगों पर आवाज उठाई जा सके। देखो गोलियां चल रही हैं, आपको आवाज सुन रही होगी। वो आंसू गैस के गोले भी फेंक रहे हैं। देखो आप ये सुन सकते हो, आवाज सुन सकते हो अच्छे से। और पहले महिलाओं से उन्होंने मारपीट की और पत्थरबाजी छतों पे चढ़ के कर रहे थे। पुलिस वालों का मतलब क्या है छतों पे चढ़कर पत्थरबाजी कर रहे हैं? या तो भीड़ में खड़े हो, उनको रोकने का प्रयास करो, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो रोको। लेकिन छत पे पत्थरबाजी करने के लिए किसी ने कहा था? अब पत्थरबाजी करोगे तो पत्थरबाजी का जवाब पत्थरबाजी से मिलेगा। अब देख सकते हैं ये गोलियों की और धमाकेदार जो बम है उनके बाद उन्होंने अभी प्रयोग किया। उन्होंने पहले हमला किया, फिर हमने थाने पर हमला बोला। शुरुआत हमने नहीं की थी। अभी का अपडेट यहीं तक, बाकी थोड़ी देर बाद में। धन्यवाद। सेव ना करिए।